शिमल्यामध्ये सध्या जोरदार बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या ठिकाणी दाखल होत आहेत. शिमला, कुफरी, नरकंडा, धर्मशाला, पालमपूर, डलहौसी आणि मनाली ही सर्वात महत्वाची ठिकाणं आहेत आणि त्यामुळे पर्यटक या ठिकाणी पर्यटनाचा मनमुराद आनंद लुटताना दिसत आहेत. सर, टूरिस्ट प्लेस इस बार अच्छा रहा. नारकंडा में काफ़ी स्नोफॉल हुआ, काफ़ी टाइम के बाद इतना अच्छा स्नो हुआ और इसे टूरिस्ट काफ़ी बढ़ा है. और इसके साथ हमने अपनी एक्टिविटीज़ भी बढ़ाई है, स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, इस तरह की एक्टिविटी हमने जोड़ी है. और होटल्स में अच्छा फूड मिल रहा है तो टूरिस्ट को यहाँ आके बढ़िया महसूस हो रहा है. और एक खुशी की बात यह है कि शिमला से ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त नारकंडा में देखने को मिल रहा है. तो एक्चुअली हम लोग दिल्ली से तो शिमला जाने के लिए निकले थे, बट वहाँ हमें स्नो नहीं मिली तो मज़ा नहीं आया, तो इसलिए हमने नारकंडा की तरफ अपना रुक करा. नारकंडा आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे हिमालय स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. एक्चुअली वैसे रियल में मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती, पर इन्हीं यहाँ पे मैंने सुना कि हिमालय का बहुत अच्छे स्पोर्ट्स क्लब है और स्कीइंग का कंपटीशन होता है, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ ऊपर चढ़ के आई हूँ. और यहाँ पे हमने स्नो बोट वगैरह की, काफ़ी इंजॉय किया.